कैटेगरी ब्रॉड कैटेगरी है, आर्ट्स ग्रेजुएट बीए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं बीए वाले, और बीए एलएलबी, इनके कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, 23 के करीब है कॉम्बिनेशन इनके। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो नेचुरली है कि आपने तीन सब्जेक्ट ही पढ़े हैं, हर एक के तो इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे नहीं, लेकिन जो आपके बनते हैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो आपको जो फैक्टर है उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। फर्स्ट कॉम्बिनेशन डिस्कस करने लगा हूं, ये जो पहले वीडियो एक निकाला है मैंने कि बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एसएसटी स्ट्रीम या सोशल साइंस स्ट्रीम, ये उसका सेकेंड पार्ट समझिए, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन के प्रो कॉन्स डिस्कस किए गए हैं। एसएसटी बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है लैंग्वेज के साथ, ये स्टार लगा है। अगर आपने एसएसटी की टू साइंसेस पढ़ी हुई हैं, इनमें से दो साइंसेस तीन साल पढ़ी हुई है, एसएसटी तीन साल पढ़ी हुई है, ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है, मतलब के वापस चलता हूँ आपको दिखाता हूँ, एसएससी लैंग्वेज को डिस्कस करने लगे हम। इनमें से आपने अगर दो साइंसेस पढ़ी हैं, प्रेफरेबली आप इनमें से ये जो अगर चार साइंसेस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये स्कूल सब्जेक्ट हैं, इनकी इनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, रिकांटा नहीं है इसको ऐसे रहे। तो इसमें आपने मान लीजिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स तीन साल पढ़ी हुई हैं, तो वहां आपका एसएसटी कॉम्बिनेशन बेस्ट। दूसरी बात, जैसे कई यूनिवर्सिटीज, अगर आपने एक सोशल साइंस पढ़ी हुई है, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ी हुई है, इसकी जगह पर आपको एसएसटी दे दिया गया, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला और इंडिया की कई और यूनिवर्सिटी भी ऐसे करती हैं, तो आप एसएसटी बीएड में तो कर गए हो, लेकिन आप जॉब के लिए, एसएसटी की जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। दैट इज वाई एसएसटी बेस्ट कॉम्बिनेशन किन के लिए है? जिन्होंने तीन साल दो जो इनमें से सब्जेक्ट जो है पढ़े हुए हैं। अगर इनमें से नहीं है तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, सोशियोलॉजी, इनमें से भी पढ़े हुए हैं, हरे वाले आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि इनमें से पढ़े हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ये 8 सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन एनसीटी ने और भी दिए हैं, आपको अपनी स्टेट के वो देख लेने चाहिए, लेकिन अगर ग्रेजुएशन करने लगे हैं तो इनको आपको प्रेफर करना चाहिए अगर आप टीचर बनना चाहते। तो ये बात हो गई कि एसएसटी किन के लिए बेस्ट, मैं ये बता रहा हूँ ये कॉम्बिनेशन किन के लिए बेस्ट है। अगर लैंग्वेज, लैंग्वेज अगर आपने इलेक्टिव पढ़ी हुई है, तीन साल पढ़ी हुई है, वो लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर यहाँ इकोनॉमिक्स में कर दिया, ये बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, इसकी इकोनॉमिक्स की बात। एसएसटी और लैंग्वेज कॉम्बिनेशन बेस्ट किसके लिए है? एसएसटी बता दिया है, लैंग्वेज बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी हुई है, तो उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन एसएसटी ही, इंग्लिश ही लेना चाहिए। अगर उसने पढ़ी हुई है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के साथ इलेक्टिव हिंदी पढ़ी हुई है, तो उसको एसएसटी और हिंदी लेना चाहिए। अगर उसने इसके साथ अपनी मदर टंग कोई पढ़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल गुजराती है, पंजाबी है, तो उसको एसएसटी पंजाबी, एसएससी गुजराती, एसएसटी जो अगर मलयालम, तीन साल पढ़ी है, क्राइटेरिया ये है सेंट्रल लाइन। क्यों इसको बेस्ट कहा है मैंने? क्योंकि अगर ये दोनों क्राइटेरिया, जितने क्राइटेरिया अभी बता के आया हूं वो पूरे किए हैं, आप बीएड करने के बाद इमीडिएट बाद आप एसएसटी की गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो और लैंग्वेज की गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो। इट मीन जॉब्स निकलती हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी जॉब प्लेसमेंट की सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बाकी की भी बात करते हैं एक एक। इसके अलावा और जो फैक्टर हैं, आपने अपना एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट देखना है जब लैंग्वेज चूज करनी है ना। जैसे आपके पास ऑप्शन अगर इंग्लिश की भी है, मदर टंग की भी है, आपने लेनी है, तो आपने ये देखना है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करनी है। अगर आप हिस्ट्री में करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो, तो मान लीजिए आप हिस्ट्री में करना चाहते हो ना, या इकोनॉमिक्स में, यहाँ हिस्ट्री के एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में है, आपको बाद में बीएड का पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री का एडिशनल दे देना चाहिए, फिर आपके पास हो जाएगा एसएसटी प्लस हिस्ट्री की एलिजिबिलिटी बन गई, प्लस लैंग्वेज की, तीन सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो गए। ठीक,
जॉब अवेलेबिलिटी तीनों की ज्यादा है, एसएसटी की भी लैंग्वेज जो मेन बताई है सभी की जॉब ज्यादा होती है। हाँ हिस्ट्री पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो गए पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, तो उसकी कम हो गई लेकिन आपके चांसेस जो जॉब के बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अगर आपने वो जो सोशल साइंसेस बताई हैं उनमें से चलो एग्जांपल लेके चलते हैं, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, इसके साथ आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी हुई, साथ में जनरल इंग्लिश हो गई और आपकी पंजाबी या कोई और लैंग्वेज हो गई, तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है इसके बेस पर एसएसटी ये वाला कौन सा ये 10th वाला। तो फिजिकल एजुकेशन क्योंकि आपकी है ऑलरेडी 3 साल पढ़ी हुई है, ये भी 3 साल पढ़े हैं, 3 साल पढ़े हैं, 3 साल पढ़े हैं, जॉब अवेलेबिलिटी है, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इस ऐसे जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने ऐसे सब्जेक्ट सोशल साइंस के दो कोई उन लिस्ट में से पढ़े हुए हैं और फिजिकल साइंस है, उनको लैंग्वेज में नहीं जाना चाहिए। कारण क्या है कि अगर आप एसएसटी फिजिकल एजुकेशन को छोड़ के इंग्लिश ले रहे हो, मान लीजिए इंग्लिश ले रहे हो आप, तो इंग्लिश के आपको 3 साल के एडिशनल देने पड़ेंगे ग्रेजुएशन, तो यहां आपको कोई एडिशनल देना पड़ेगा, आप जाते ही एलिजिबल हो। दैट इज वाई इसको बेस्ट कंसिडर कर रहा हूं इनके अकॉर्डिंग, और दोनों ही ये टीजीटी की पोस्ट हैं, ये भी गुड पॉइंट है। तो पहला बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारा एसएसटी लैंग्वेज हो गया, अगर आपने इलेक्टिव लैंग्वेज कोई पढ़ी हुई है ना, अगर आपने इलेक्टिव लैंग्वेज नहीं फिजिकल एजुकेशन साथ में पढ़ी हुई है लैंग्वेज की जाएगा, पर फिर आपका सेकंड बेस्ट जो ये हो गया है ना, फर्स्ट बेस्ट ये गिन रहे हैं। थर्ड अगर आप मैथ्स 1 साल आर्ट्स में पढ़ा हुआ है, उसके साथ आपने मैथ्स के साथ इलेक्टिव लैंग्वेज कोई पढ़ी हुई है, फॉर एग्जांपल इलेक्टिव इंग्लिश ली हुई है, मैथ्स के साथ हिंदी ली हुई है, मैथ्स के साथ आपकी गुजराती पंजाबी वट एवर यूर स्टेट लैंग्वेजेस लोकल लैंग्वेजेस वो ली हुई है, तो आपके लिए मैथ्स लैंग्वेज का बेस्ट है। कारण क्या है, वही 3 साल आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है और उसकी पोस्ट भी टीजीटी की मैक्सिमम निकलती है, और साथ में लैंग्वेज जो है इलेक्टिव पढ़ी हुई है वो भी 3 साल है टीजीटी की है, आपको कोई भी एडिशनल नहीं देना पड़ेगा इसके लिए, आप बीएड करने के एकदम बाद जॉब के लिए एलिजिबल हो, आप अपना स्टेट टेट या सी टेट और जॉब सिलेक्शन टेस्ट जो भी आता है वो आप दे सकते हैं और आप एलिजिबल बन जाते हैं। ये भी कंसीडर कर लेना चाहिए कि आपने अगर मैथ्स लिया हुआ है आर्ट्स में, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किसकी करना चाहते हो, इसकी बात कर रहे हैं ना, थर्ड जो इंपॉर्टेंट है बेस्ट, तो मैथ अगर तो एमएससी मैथ करना चाहते ही हो आप, तो आप इसको नहीं छोड़ोगे हर हालत में। हाँ अगर आपने हिंदी इंग्लिश जो भी इलेक्टिव आपने पढ़ी हुई है वो लैंग्वेज की मास्टर डिग्री करना चाहते हो, तो आप मैथ्स और हिंदी साथ में कॉम्बिनेशन लेके चलोगे। बाद 3 जो हम बात कर चुके हैं इनके बाद कोई बेस्ट अगर कॉम्बिनेशन है, वैसे बाकी के कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं कहे जा सकते, वो लोअर लेवल के हैं, बात बताता हूं, पहले बता दूं कौन कौन से। चौथे नंबर पर बेस्ट जो आ रहा है एक और है मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैथ्स आपने 3 साल पढ़ा है, ठीक है, इसकी टीजीटी की पोस्ट निकलती है, और इकोनॉमिक्स इसलिए आपने लेना है मैथ के साथ अगर 3 साल पढ़ी है आपने इकोनॉमिक्स, तो दूसरा आपका इंटरेस्ट, क्योंकि मैथ के साथ अगर मैथ इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है साथ में लैंग्वेज का सोच रहे हो, तो प्रेफर किसको करना चाहिए, अगर तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इकोनॉमिक्स की करना चाहते हो, इसमें आपका इंटरेस्ट है लैंग्वेज की जगह पर, तो आपको इकोनॉमिक्स चूज करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब नहीं करना चाहते और आपका इंटरेस्ट भी कम है और आप एडिशनल देने को तैयार हो, तो आप मैथ के साथ लैंग्वेज लोगे, और लैंग्वेज का ये पक्की बात है कि आपको एडिशनल देना पड़ेगा, ये एडिशनल से आप ग्रेजुएशन में 3 साल का जो पीछे बता के आया हूं, अगर नहीं देना चाहते तो आप को पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स की करनी ही पड़ेगी। ये इसको बात को समझ लीजिए, मैथ इकोनॉमिक्स का जो कॉम्बिनेशन है इसमें मैथ के लिए आप टीजीटी के लिए एक सब्जेक्ट मिनिमम आप एलिजिबल हो गए हो,
दूसरे के लिए एलिजिबिलिटी जहां तो इकोनॉमिक्स को चीज के लिए जहां लैंग्वेज को, दोनों में ही आपको एडिशनली कुछ करना पड़ना है। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़नी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप कर सकते हो, एलिजिबल बन सकते हो। दूसरी बात है कि आप ओपन यूनिवर्सिटी से साथ साथ में बीएड के मैथ इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन लेके इकोनॉमिक्स की किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी की वजह से, मैं नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को सजेस्ट करूंगा, इग्नू से आप साथ साथ में इकोनॉमिक्स कर सकते हो। फिर जब आप बीएड कंप्लीट करते हो, लगभग अगर इकोनॉमिक्स की एमए आपकी ओपन यूनिवर्सिटी से हो जाती है तो आप मैथ्स के लिए भी एलिजिबल हो गए और इकोनॉमिक्स के लिए भी एलिजिबल हो गए। अगर आप इसके लिए नहीं जाना चाहते तो आपको लैंग्वेज के बारे में सोचना होगा, लेकिन एडिशनल हर हालत में देने पड़ेंगे। इन सब्जेक्ट के बिना कोई और सब्जेक्ट, मैं दोबारा मार्क कर दूं कि इन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, एसएसटी लैंग्वेज नंबर वन निकाला था और एसएसटी फिजिकल एजुकेशन नंबर वन में आ रहे हैं, तीसरा हमें मैथ लैंग्वेज था और मैथ इकोनॉमिक्स था, है ना। इन सब्जेक्ट्स के अलावा कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, टेंथ तक टीच करने के लिए, जिनकी जॉब ज्यादा निकलती है। ये चार बेस्ट क्यों निकाले गए हैं, क्योंकि इनकी जॉब अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। इनके लिए डायरेक्ट आप बीएड कर से साथ ही डायरेक्ट आप एलिजिबल हो जाते हो, दूसरा एडिशनल इनमें कम करने पड़ते हैं, तीसरा कि आप अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को कंपेयर इनमें से कर सकते हो, विद इन रेंज रह सकते। ये चार आ गए, इसके चार के अलावा ये मैं कलर चूज कर रहा हूं, जब मैं इंडिकेट ये करूंगा, ये सभी जो नीले कलर वाले हैं ये इकोनॉमिक्स लैंग्वेज, ये पीजीटी है, हिस्ट्री लैंग्वेज पीजीटी, ये फर्स्ट वाला पीजीटी बोल रहा हूँ, दैट इज वाई इसकी इंपॉर्टेंस कम है, क्योंकि पीजीटी की पोस्ट कम निकलती है। दूसरा ये जो मैं नीले कर रहा हूँ, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड लैंग्वेज, फिजिकल लैंग्वेज एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री भी साथ में, फिजिकल एजुकेशन एंड पोलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस एंड लैंग्वेज, ये वीडियो गलत है इसकी, नेक्स्ट बना रहा हूँ, लास्ट में ये देख। इनमें फिफ्थ बेस्ट कॉम्बिनेशन निकाला जा सकता है, क्योंकि वो टीजीटी लेवल पर एलिजिबिलिटी बन सकती है, लेकिन उनसे ये उतना बेस्ट नहीं है, इसको फिफ्थ रैंक पर रख रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड लैंग्वेज ये फिफ्थ रैंक पर तब आएगा अगर लैंग्वेज आपने इलेक्टिव 3 साल पढ़ी हुई है, ठीक। तो कंप्यूटर भी 3 साल पढ़ा हुआ है, दैट इज वाई कंप्यूटर एंड लैंग्वेज का आपके लिए कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है। ये हम पीछे बात करके आ चुके हैं जब बीएससी नॉन मेडिकल की बात की थी, उसमें कंप्यूटर साइंस की बात, वहां एलैबोरेशन इसकी देख। इसके अलावा हम थोड़ा इसको फिफ्थ रैंक पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर की जो जॉब्स हैं वो नॉन बीएड वाले भी एलिजिबल अभी तक चल रहे हैं, दैट इज वाई आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जो आपने इलेक्टिव लैंग्वेज पढ़ी हुई है उसके लिए आपके चांस ज्यादा हैं जॉब के, गवर्नमेंट जॉब। अब हम देखते हैं कि टोटल 5 जो हैं हमने टीजीटी वाले निकाले हैं जिनको बेस्ट कहा था। फर्स्ट नंबर पर ये है एसएसटी लैंग्वेज, दूसरा एसएसटी फिजिकल एजुकेशन, तीसरा मैथ्स एंड लैंग्वेज, चौथा इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, पांचवा जो हो गया कंप्यूटर साइंस एंड लैंग्वेज। अब मैं जो ब्लू कलर से ये अंडरलाइन करूंगा, जिनको सर्कल करूंगा ब्लू लाइन से, कलर से, चलो ये ले लेते हैं इसकी बजाय, तो वो जो है इसके पीछे रैंक पर क्यों आते हैं, क्योंकि वो पीजीटी उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करनी जरूरी होगी। इकोनॉमिक्स लैंग्वेज के यहां बात नहीं कर रहा हूं, हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन एंड हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर। मैंने जो ब्लू किए हैं इनके लिए, ये सेकंड लेग पर क्यों आ रहे हैं,
क्योंकि इनके लिए हर हालत में पीजीटी, ये पीजीटी के लिए एलिजिबल बनती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब इनके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन करनी ही पड़ेगी। दो स्टेजेस आपकी हो सकती है, जहां तो आपने इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो ये सब्जेक्ट लीजिए तो आपके लिए बेस्ट, फिर आप पीजीटी स्कूल लेक्चरर के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बनते हो, प्रोवाइडेड बाकी कंडीशन भी फुलफिल कर। दूसरी बात है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की तो हर हालत में ये जो ब्लू वाले हैं, नीले वाले हैं, इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स की आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ही करनी होगी अगर आपने इकोनॉमिक्स लैंग्वेज पढ़ा है, यहाँ पर हिस्ट्री की, यहाँ पर ज्योग्राफी की, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि उसके बिना आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी नहीं। आपने टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ तो लिया है लेकिन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में नहीं है, ये ब्लू वाले सारे जो है उस पर अप्लाई होगा तो नहीं है, तो आप तब दो साल बाद एलिजिबल होगे जब आप पीजी कर लोगे। इन जो ब्लू कलर वाले हैं इनके लिए गाइडेंस क्या है कि ये ओपन यूनिवर्सिटी से जो है एमए साथ में, जब पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, चलो पोस्ट ग्रेजुएशन लिखता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन साथ साथ में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को ज्यादा प्रेफर कीजिए स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की बजाय, क्योंकि हाँ अगर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी की वैल्यू आपकी स्टेट में ज्यादा है तो कर सकते हैं आप। तो क्या हो सकता है, जब आपने इकोनॉमिक्स एंड लैंग्वेज का मान लीजिए, जहाँ हिस्ट्री एंड लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, जहाँ ये जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन थे अजीब से, फिजिकल एजुकेशन एंड ज्योग्राफी, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी की या फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की है, करनी है, तो आप बीएड में एंटर हुए, बीएड में आप एंटर इधर हो गए, उधर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में इग्नो में एंटर हो गए, दो साल गुजरे, यहां पर आपकी बीएड खत्म हो गई और यहां पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोबेबली अगर साथ साथ में पेपर दे लेते हो, नहीं तो ओपन यूनिवर्सिटी का फायदा ये है अगर यहां से खत्म नहीं कर सके, आप साथ क्लैश कर गए हैं पेपर, तो वो पेपर आप नेक्स्ट सेमिस्टर में दे सकते हो। नेचुरली है कि आपको अगले पूरे दो साल यहां नहीं लगाने पड़ेंगे, आप जल्दी ही एलिजिबल बन जाओगे इन ब्लू कलर वाले अंडरलाइन किए हुए सब्जेक्ट के लिए, अगर बीएड में आपने ये ऑप्ट किया है, जहां कई केसेस ही ऐसे होते हैं कि उनको यही ऑप्ट करना होता है, पड़ता है, करना पड़ता है, तो ये है कि उनको ये साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए। अच्छा, कई साथ में लैंग्वेज को मैंने ब्लू क्यों नहीं किया, अगर तो लैंग्वेज आपकी एज इलेक्टिव पढ़ी गई है, इसके लिए तीसरा कलर चूज करूंगा लैंग्वेज, अगर तो ये वाली लैंग्वेज आपकी इलेक्टिव पढ़ी गई है, इलेक्टिव पढ़ी हुई है आपने, फॉर एग्जांपल ये लैंग्वेज आपने इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी हुई है, तो वो आपका टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गया। इट मीन्स ब्लू कलर वालों के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, लेकिन लैंग्वेज अगर आपके साथ, जिनके साथ लैंग्वेज बन रही है, अगर वो आपने ग्रेजुएशन में एज ए इलेक्टिव तीन साल पढ़ी हुई है, तो वो आपका साथ में कॉम्बिनेशन बेटर बनेगा के, क्योंकि आप बीएड करने के बाद उस इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़े होने के कारण बीएड करने के बाद एकदम एलिजिबल हो जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए हो जाते हो। अगर ये लैंग्वेज दूसरी है, इसको अब कलर ये वाला ले लूंगा, अगर ये लैंग्वेज दूसरी है जनरल इंग्लिश जिसको बोल देते हैं, जनरल हिंदी जहां आपकी कोई लैंग्वेज है, तो आप ना इसके लिए एलिजिबल हो क्योंकि आपकी हिस्ट्री की पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद होगे, और लैंग्वेज को आपको एडिशनल पेपर अगर जनरल का है तो आपको एडिशनल का ग्रेजुएशन का तीन साल का पेपर, छह पेपर टोटल होते हैं, वो देने पड़ेंगे, फिर आप एलिजिबल बनोगे। मतलब ये वो केस होंगे जो बीएड तो कर चुके हैं, एलिजिबल किसी के लिए नहीं है। वो तीन केस बने हैं, एक तो वो जिनको ये मिला है ब्लू कलर वाला लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो एलिजिबल हैं, दूसरा जिन्होंने नहीं की पोस्ट ग्रेजुएशन वो इनके लिए एलिजिबल नहीं है, उनके लिए ओपन वाला सजेशन हो गया, तीसरा कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन ये नहीं की हिस्ट्री की मान लीजिए लेकिन लैंग्वेज इलेक्टिव पढ़ी है तो वो बेटर है, इलेक्टिव के लिए एलिजिबल हो गए। चौथा केस,
ना तो उन्होंने हिस्ट्री की एमए की हुई है, ना तो उन्होंने ये ब्लू कलर वाली कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और ना ही इलेक्टिव लैंग्वेज कोई पढ़ी हुई है। जनरल इंग्लिश जो जनरल जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, एक एक साल एक एक पेपर होता है, वो पढ़ी हुई है, वो भी एलिजिबल नहीं है उन केसेस में। ये चार कैटेगरी बनी है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये इनका साल वेस्ट नहीं होता, बीएड करने वाली एजेंसीज या नॉर्म्स जो भी बने हैं वो इनको बीएड करवा देते हैं कि भैया आप बाद में एडिशनल देते रहना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते रहना और एलिजिबल बनते रहना। अच्छा, इनमें भी लास्ट रैंक पर किसको रखा जाएगा कि हाँ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बेशक करनी कर भी ली है, लेकिन जॉब अवेलेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? एग्रीकल्चर की कम होगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कम होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी की बात कर रहा हूं, और सोशियोलॉजी की कम होगी, होम साइंस की भी लगभग कम होगी। ये ऑन एन एवरेज है, ये डिपेंड कर सकता है, स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स को भी कम वाली में रखा जा सकता है। इसके अलावा ज्यादा किन की निकलती है, पीजीटी की बात कर रहा हूं, है ना, ज्यादा किन की निकलती है, इकोनॉमिक्स जो स्कूल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस में ये है। अच्छा, मैथ्स की भी ज्यादा होती है, और आपका सब्जेक्ट हो गया फिजिकल एजुकेशन कह सकते हो। तो ये जो रेड वाले हैं इनकी प्रोबेबिलिटी, जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ज्यादा होगी। अगर इनके आपने तुलना करनी है इन कॉम्बिनेशन की, तो रेड वालों को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, ये जो दूसरी कलर वाले हैं येलो वाले, इनको कम प्रेफर करना चाहिए अगर आपके पास ऑप्शन है। अगर ऑप्शन नहीं है तो जो मैंने गाइडेंस दी है उसके अकॉर्डिंगली आपको एलिजिबल होना होगा।